अब अगले 9 दिन गरबा पंडालों में मां की आराधना के लिए गरबा खेला जाएगा। गरबा के दौरान कहीं कुछ अप्रिय न हो, इसके लिए पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नवरात्रि में मां की आराधना के गरबा के लिए यहां आयोजक तैयारी में लगे हैं, वहीं पुलिस ने भी कमर कस ली है। इस बार पुलिस की पैनी निगाह इन गरबा आयोजनों में रहेगी। देवी प्रतिमाओं के पंडालों पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी पंडालों, डीजे संचालकों और गरबा आयोजकों से साफ तौर से पुलिस प्रशासन ने बोल दिया है कि वह आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था करें और बाकी की सुरक्षा पुलिस प्रशासन करेगा। एसपी ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी जिले को मिला है। पूरे जिले में इस बार कार्यक्रम है, हर वर्ष की तरह लगभग 1300 से भी अधिक प्रतिमाएं रहेंगी, विराजमान होंगी और उनके द्वारा पूजा अर्चना लोगों के द्वारा की जाएगी। तो उसमें पूरी हमारी तरफ से व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार उसको लेके बैठकें हो रही हैं। आज भी शांति समिति की बैठक है, थाना स्तर पर भी शांति समिति की बैठक, डीजे वालों के साथ बैठक, आयोजकों के साथ बैठक, सब ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो पूरे 10 दिन के त्यौहार हैं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसमें कई जगह पर गरबे का भी आयोजन होगा, तो वहाँ भी अलग से व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी। सीसीटीवी भी हमारे शहर में कई जगह लगे हैं और सभी आयोजकों को एक पैम्फलेट दिया जा रहा है, जिसमें उनसे अपेक्षा की जा रही है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगाए जाएं, वॉलेंटियर्स वहाँ पर रहें, फायर एक्सटिंग्विशर एवं अन्य सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को वहाँ पर रखा जाए ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से तुरंत निपटा जा सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।